हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, दिस इज़ अमित कपूर। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कौन से हाउस में अगर आपके बर्थ चार्ट में मरकरी प्लेस्ड है तो उनके हमें कितने बेनिफिट रिजल्ट्स मिलेंगे। मरकरी जो कि रिप्रेजेंट करता है ट्रेडिंग को, लर्निंग को, एजुकेशन को, आपके ब्रेन को, आपके माइंड को, आपकी सिक्स सेंस को, मरकरी प्ले अ बिग रोल इन एस्ट्रोलॉजी। आप ये समझ के चलें, अगर किसी के हॉरोस्कोप में मरकरी वेल प्लेस्ड है तो ऐसा बंदा बहुत ज़्यादा अच्छा ट्रेडर बन सकता है, स्टॉक मार्केट में बिजनेस कर सकता है या बहुत ज़्यादा लाइफ में राइज कर सकता है। तो मैं बताने जा रहा हूँ ऐसे कौन से 5 घर हैं हॉरोस्कोप में जहाँ पे मरकरी अगर हो और वहाँ पर वो बड़ा अच्छा बेनिफिट रिजल्ट देता है। सबसे पहले है हाउस नंबर 1। अगर मरकरी आपके फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड है तो आप बहुत अच्छे ट्रेडर होगे, आपकी सिक्स सेंस गजब की होगी। आपको कभी भी कुछ कैलकुलेट करना है उसके लिए कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज योर ब्रेन इज़ योर कैलकुलेटर। यू हैव अ सिक्स सेंस, यू आर अ वेरी ब्रेनी पर्सन इफ़ यू आर मरकरी प्लेस्ड इन योर फर्स्ट हाउस एंड यू नो हाउ टू मल्टीप्लाई द मनी, यू नो हाउ टू डू बिजनेस। आप छोटी उम्र में बिजनेस करना शुरू कर देंगे और बिजनेस में माशाल्लाह बड़ी शोहरत हासिल करेंगे, बड़ा नाम हासिल करेंगे, बड़ा पैसा कमाएंगे। अगर आप स्टॉक मार्केट में डील करते हैं तो आप बहुत अच्छे ट्रेडर बनेंगे और बहुत ज़्यादा पैसा कमाएंगे, क्योंकि मरकरी आपके फर्स्ट हाउस में है। हाँ, ऐसा बंदा थोड़ा सा कंजूस ज़रूर होता है, पैसे खर्चने से पहले सोचता ज़रूर है, लेकिन ऐसे बंदे को पैसे की कदर करना बहुत आता है। फर्स्ट हाउस में मरकरी है तो ऐसा बंदा जल्दी कहीं पैसा खर्च नहीं करेगा, उसको अपने बैंक का बैलेंस हमेशा एक्यूरेट चाहिए। जिस दिन बैंक का बैलेंस थोड़ा कम हुआ नहीं, और ऐसे पर्सन को टेंशन हुई नहीं। सो इफ़ योर मरकरी इज़ इन फर्स्ट हाउस, यू आर वेरी गुड टू मल्टीप्लाई मनी, यू नो हाउ टू डील विद अदर्स, यू नो हाउ टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, वेन स्टार्ट न्यू बिजनेस एंड इन विच फील्ड यू आर एबल टू मल्टीप्लाई यूर मनी, बिकॉज मरकरी इज़ इन योर फर्स्ट हाउस। यू आर वेरी गुड लर्नर, आपकी सिक्स सेंस इतनी तेज होगी कि किसी ने आपके सामने कुछ बोला आपको, आप उसको फटाफट कैच करेंगे, फटाफट ग्रैप करेंगे। अब बात करते हैं मरकरी फोर्थ हाउस में। अगर आपके बर्थ चार्ट में मरकरी फोर्थ हाउस में है तो ये भी एक बहुत अच्छी कंडीशन है, जो पोजिशन है मरकरी की। यहाँ पर मरकरी आपको ज्ञान देगा, आप बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी बन सकते हैं, आप लर्नर बहुत अच्छे होंगे, आपकी एजुकेशन बड़ी अच्छी होगी। फोर्थ हाउस में मरकरी अगर होगा तो बिजनेस के नए नए प्लान्स आपके माइंड में आएंगे, क्योंकि इसका सेवंथ एस्पेक्ट आपके टेंथ हाउस में दशम घर में है जो कि व्यापार का है। सो इफ़ यू हैव ए मरकरी इन योर फोर्थ हाउस, यू विल अर्न लॉट ऑफ मनी थ्रू बिजनेस, यू विल अर्न मनी फ्रॉम मल्टीपल बिजनेस। अगर फोर्थ हाउस में मरकरी है, आपको पता है कि पैसा कैसे कमाना है या पैसे को हम कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कैसे लाइफ में राइज कर सकते हैं। आपकी जो PR होगी, पब्लिक रिलेशनशिप होंगे, वो माशाल्लाह बड़े अच्छे होंगे, क्योंकि मरकरी आपके फोर्थ हाउस में है। अब बात करते हैं मरकरी आपके फिफ्थ हाउस में, जो वन ऑफ द अल्टीमेट पोजिशन है। अगर मरकरी आपके फिफ्थ हाउस में है, यू आर वेरी एजुकेटेड, यू विल अर्न लॉट ऑफ मनी फ्रॉम स्टॉक मार्केट, यू विल बिकम वेरी गुड ट्रेडर और यू विल बिकम वेरी गुड इन्वेस्टर इन स्टॉक मार्केट, यू विल अर्न लॉट ऑफ मनी, नेम, फेम, प्रोस्पैरिटी इन स्मॉल एज। फिफ्थ हाउस में मरकरी आपकी लव मैरिज भी करा सकता है। फिफ्थ हाउस में मरकरी आपको तहां उम्र आपके अंदर ऐसी एक मतलब कि एक चाहत होगी कि मेरे को स्टडी करना है, मैं 30 साल का हूँ तो भी मुझे कुछ ना कुछ पढ़ना है, मैं 35 का हूँ तो भी मेरे को रिसर्च करना है, कुछ ना कुछ पढ़ना है, या 40 का हूँ तो भी। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा दिमागी होते हैं, बहुत ज़्यादा ब्रेनी होते हैं और ऐसे लोग मल्टीपल सोर्स से अर्निंग पैदा करते हैं। मरकरी प्ले अ बिग रोल इन योर प्रोफेशनल लाइफ एज वेल एज योर एजुकेशन। इफ़ यू हैव ए मरकरी इन फिफ्थ हाउस, यू विल बिकम अ डॉक्टर, यू विल बिकम अ लॉयर एंड यू मे अर्न मनी फ्रॉम साइड टू साइड बिजनेस, बिकॉज मरकरी इज़ वेरी वेल इन बर्थ चार्ट इन फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस इज अ त्रिकोणा स्थान, फिफ्थ हाउस इज अ लक्ष्मी हाउस। फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस एंड फिफ्थ हाउस, मरकरी इज वेरी कंफर्टेबल हेयर इन द टर्म्स ऑफ मेकिंग मनी, इन द टर्म्स ऑफ मल्टीप्लाई मनी, इन द टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन द टर्म्स ऑफ लर्निंग, इन द टर्म्स ऑफ सिक्स सेंस। सो मरकरी प्ले अ बिग रोल। अगर आपके सेवन्थ हाउस में मरकरी है तो आपका स्पाउस बहुत अच्छा होगा, आपके स्पाउस के साथ आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत गजब की होगी और आपके रिलेशनशिप बड़े अच्छे होंगे। शादी के बाद आपकी वाइफ के साथ या आपके हस्बैंड के साथ आपकी बखूबी बनेगी और आपको बिजनेस पार्टनरशिप्स के ऑफर बहुत आएंगे और आप बिजनेस जो भी करेंगे उसमें आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी, क्योंकि मरकरी आपके सप्तम भाव में है। मरकरी अगर आपके सेवन्थ हाउस में है तो आपकी डेली इनकम बड़ी अच्छी होगी। मरकरी अगर आपके सेवन्थ हाउस में है तो आप एक से ज़्यादा बिजनेस करेंगे। मरकरी अगर सेवन्थ हाउस में है तो शादी के बाद आपका भाग्योदय होगा। मरकरी अगर आपके सेवन्थ हाउस में है तो आपका स्पाउस आपका आपके लिए बड़ा लकी साबित होगा और आपके स्पाउस के साथ आपके रिलेशनशिप बड़े माशाल्लाह अच्छे होंगे, क्योंकि मरकरी आपका सप्तम भाव में है। अगर मरकरी सप्तम भाव में है तो आपकी सेक्सुअल लाइफ बड़ी अच्छी होगी या आपको विवाह के बाद पूर्ण तौर से सुख मिलेंगे। आपके इन लॉज के साथ और आपके वाइफ के साथ या आपके हस्बैंड के साथ आपकी डीलिंग बहुत अच्छी होगी, क्योंकि मरकरी सेवन्थ हाउस में है।
अब बात करते हैं मरकरी अगर आपके बर्थ चार्ट में नाइन्थ हाउस में है, यहाँ पे दो कंडीशंस अप्लाई होती हैं। अगर मरकरी के ऊपर कोई अच्छा प्लैनेट आस्पेक्ट डाल रहा है तो मरकरी यहाँ पर बड़ा ही बेनिफिट रिजल्ट देगा कि आप बहुत ज़्यादा रिलीजन से जुड़े होंगे, बहुत ज़्यादा भाग्य आपका आपके फेवर में होगा और बहुत ज़्यादा अच्छा आपको लाइफ में रिजल्ट मिलेगा अगर कोई शुभ ग्रह है मरकरी पे आस्पेक्ट डाल रहा है। लेकिन अगर हम नाइन्थ हाउस को छोड़ दें तो उसके बाद कौन सा हाउस है जहाँ पे मरकरी अल्टीमेट रिजल्ट देता है, तो वो है इलेवंथ हाउस। इलेवंथ हाउस में मरकरी आपको एक लार्ज सर्कल देगा, बड़े दोस्तों का सर्कल देगा और आप सोशलाइजिंग अपने आप को बहुत ज़्यादा करेंगे, पार्टीज़ में जाना, दोस्त बनाना, दोस्तों के थ्रू बिज़नेस करना या दोस्तों के साथ बिज़नेस करना। मरकरी इलेवंथ हाउस में आपको बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड गेंस देगा, आपको स्टॉक मार्केट से बेनिफिट होंगे, आपको यू नो लाइफ में एजुकेशन के अगर आप कोई इंस्टीट्यूट खोल लेते हैं उसमें आपको बहुत अच्छा लाभ हो सकता है या बेनिफिट हो सकता है। आप ट्यूशन सेंटर खोल रहे हैं उसमें आपको बड़ा पैसा कमा लेंगे क्योंकि मरकरी इलेवंथ हाउस में। मरकरी फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सेवंथ हाउस एंड इलेवंथ हाउस प्ले अ मेजर रोल। अगर इलेवंथ हाउस में मरकरी है ऐसा बंदा पैसा खर्च करने में बहुत ज़्यादा सोच समझ के पैसा खर्च करेगा, जल्दी कहीं पैसा खर्च नहीं करेगा, पैसा खर्चने से पहले बहुत ज़्यादा सोचेगा कि मैं खर्च करूं या ना करूं। और हम बोल सकते हैं कि ऐसे पर्सन बहुत माइज़र होंगे। अगर फर्स्ट हाउस है, इलेवंथ हाउस में मरकरी है तो ऐसे बंदे बहुत माइज़र होंगे, पैसा खर्च करने के मामले में बहुत ज़्यादा फट्टू होंगे। उनको ये होगा कि नहीं यार, बैंक बैलेंस हिलना नहीं चाहिए, हमेशा पैसा सेव करके रखो। लेकिन इनके अंदर मनी मल्टीप्लाई करने की जो काबिलियत होगी वो बड़ी ज़बरदस्त होगी क्योंकि फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सेवन्थ हाउस, इलेवंथ हाउस, ये सारे हाउसेज आपके बिजनेस प्रोफेशन से लिंक्ड हैं। अगर फोर्थ हाउस में मरकरी है तो टेंथ हाउस पे आस्पेक्ट डाल रहा है, अगर फर्स्ट हाउस में मरकरी है तो सेवन्थ पे डाल रहा है, अगर फिफ्थ पे है तो इलेवंथ पे डाल रहा है और अगर इलेवंथ है तो फिफ्थ पे डाल रहा है। आप कनेक्शंस देखें क्या है क्योंकि मरकरी की सातवीं दृष्टि है, जहां पर मरकरी बैठेगा वहां से सातवें घर में देखेगा। तो ग्यारहवें घर में मरकरी आपको माशाल्लाह बहुत तरक्की दे देगा। आपको अगर असेंडेंस के साथ उसके फ्रेंडली रिलेशन है, अगर आपके लगन लॉर्ड का मरकरी के साथ अच्छा रिलेशन है और मरकरी आपके इलेवंथ हाउस में है और उसकी महादशा शुरू हो गई है तो आपके सारे डिज़ायर्स, विशेस फुलफ़िल होंगे, आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाएंगे और मल्टीपल सोर्स से पैसा कमाएंगे, आपके सिबलिंग्स आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। तो आप ये समझ के चले इन पांच घरों में अगर आपका मरकरी है तो यू विल ब्लेस्ड विद अ लॉट ऑफ मनी, नेम, फेम, प्रोस्पेरिटी एंड यू विल अर्न मनी फ्रॉम मल्टीपल सोर्स ऑफ फंडिंग, यू विल एंजॉय वेरी गुड लाइफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद।